गाइस आज एक काफी प्यारी डॉग ब्रीड के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है बीगल। शायद आप लोगों को पता ही होगा कि बीगल कितने अच्छे डॉग्स होते हैं और ये मीडियम साइज की डॉग ब्रीड है जिन्हें आप लोग इजीली हर कहीं पर रख सकते हैं। ना तो इनके कोट को मेंटेन रखने की टेंशन और ना ही इस चीज की टेंशन कि कहीं ये किसी को काट ना ले, किसी के ऊपर अटैक ना कर दे, क्योंकि ये एबिलिटीज बीगल में नहीं होती। तो फ्रेंड्स, जिस बीगल पपी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ये एक मेल पपी है एंड बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है और प्रॉपर मार्किंग में, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि बीगल की मार्किंग तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक इनके फोरहेड पर ये व्हाइट कलर का तिलक ना हो। और फ्रेंड्स, इस पपी के जो ओनर हैं, ये कोई ब्रीडर वगैरह नहीं है, इन्होंने रिसेंटली इस पपी को परचेज किया था अपनी फैमिलीज के लिए, बट किसी रीजन की वजह से उन्हें ये सेल करना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो बीगल पपी है ये 80 डेज का हो चुका है और उन्होंने इसकी वैक्सीनेशन भी कंप्लीट करा रखी है एंड एक बार मैं आप लोगों को इसका कार्ड भी दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, फिलहाल जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं ये इसका वैक्सीनेशन कार्ड है। बाकी इससे रिलेटेड आप लोगों को और कुछ भी पूछना है तो डायरेक्ट डॉग ओनर से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और फ्रेंड्स, उन्होंने इस पपी को कुछ चीजों के लिए ट्रेन भी कर रखा है, जैसे कि नाम से बुलाने से तो ये आ ही जाता है, साथ में सिट, स्टे और पोटी ट्रेनिंग भी। बट प्लीज, इसे परचेज करने के बाद इसे अपना टाइम जरूर दे और इसकी जो ट्रेनिंग वगैरह है उसे कंटिन्यू रखें। वैसे गाइस, बीगल को परचेज करने से पहले आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि इसका टेम्परामेंट कैसा है और चेंजेस के लिए इसका बिहेवियर कैसा है। तो देखो भाई, ना तो ये अग्रेसिव होते हैं और ना ही अटैकिंग। चाहे आपके घर में स्ट्रेंजर्स आए या फिर कोई और एनिमल्स, ये सभी के साथ काफी प्यार से पेश आते हैं, तो इसी वजह से इन्हें काफी अच्छा फैमिली डॉग माना जाता है। और बीगल जो है ये ना तो ज्यादा बड़े होते हैं और ना ही ज्यादा छोटे, ये एक कॉम्पैक्ट सा मीडियम साइज है। और जिन लोगों को नहीं पता वो लोग इनके पेरेंट्स को देखकर समझ जाएंगे कि बीगल का साइज कितना होता है। तो ये देखिए गाइस, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये है इन पपीज की मदर, जो कि काफी अच्छी क्वालिटी में है और फादर की क्वालिटी भी भाई बहुत ही शानदार है। तो क्वालिटी वाइज आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एंड दोस्तों, सिर्फ बीगल ही नहीं बल्कि और किसी भी डॉग ब्रीड को परचेज करने के लिए आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें एंड बेल के आइकन को ऑल पर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप लोगों को हमारी सभी वीडियोस के अपडेट्स मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, इस बीगल पपी की एज और वैक्सीनेशन के बारे में तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। तो अगर बात करें लोकेशन के बारे में तो इस बीगल को आप लोग दिल्ली NCR से परचेज कर सकते हो एंड डिलीवरी में आप लोगों को भाई कोई भी ऑप्शंस नहीं मिलते, ओनर आप लोगों को डिलीवरी प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे, आप लोगों को खुद ही विजिट करना होगा, पपी की क्वालिटी वगैरह चेक करने के बाद ही आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं। और फाइनली अगर इसके प्राइसिंग की बात करें तो पपी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में और फुल्ली वैक्सीनेटेड है, तो उन्हें जो इसके प्राइस की डिमांड की है वो के 13,000 रुपीज यानी 13,000 रुपए। लेकिन दोस्तों, प्राइस में आप लोग को कोई भी डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा बिकॉज उन्होंने इस प्राइस को फिक्स रखा है, बाकी आप लोग अपनी साइड से ट्राई कर सकते हो। सो गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो यार प्लीज वीडियो को भी लाइक जरूर करें। तो मिलता हूँ आप लोगों से इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।